माय डियर स्टूडेंट टुडे आई शैल माय डियर स्टूडेंट टुडे आई शैल टीच यू लेसन सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पार्ट थ्री। पार्ट वन और टू की स्टोरी हमने आपको पढ़ा करके उसका वीडियो भेजा है, पार्ट थ्री देखेंगे। 14 प्रोजेक्ट विंस करें प्रोजेक्ट की विजय। He found that a starling would not eat ordinary bird food. करेंगे he found से उसने पाया कि starling माने होता है जिसे तेलियर पक्षी। करें कि starling would not eat ordinary bird food. करें उसने पाया कि तेलियर पक्षी जो है साधारण पक्षी के खाने को नहीं खाएगा। It would eat all the monarchs it would get. करें कि यह उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगा जो उसे मिलती हैं। This project was placed first in the zoology division. करें कि यह प्रोजेक्ट जूलॉजी विभाग में प्रथम आया, प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया, प्रथम स्थान उसको प्राप्त हुआ। इट केम थर्ड ओवर ऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। करें किया संपूर्ण देहात विज्ञान मेले में तीसरे स्थान पर आया। अब आगे 15 न्यू थियरी। इन द हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल ए ब्राइट बिगेन द रिसर्च। करें हाई स्कूल के अपने सेकेंड ईयर में एब्राइट ने रिसर्च का कार्य आरंभ किया, शोध का आरंभ किया। इट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। करें इससे उसके द्वारा एक अपरिचित इंसेक्ट हार्मोन की खोज हुई। इनडायरेक्टली इट लेड टू हिम न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। करें आप प्रत्यक्ष रूप से यह उसे उसकी कोशिकाओं के जीवन पर नए थियरी की तरफ ले गई। फिर 16 है अबाउट गोल्ड स्पॉट्स ऑन बटरफ्लाई। करें तितलियों पर सुनहरे धब्बों के बारे में। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। करें जो वह प्रश्न जिसे वह उत्तर देने की कोशिश में था क्या था, सिंपल था, आसान था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। करें मोनार्क का प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे निशानों का क्या उद्देश्य है। एवरीवन अस्यूम्ड द स्पॉट वाज जस्ट ऑर्नामेंटल। करें सभी ने सोचा कि निशान क्या है, सिर्फ सजावटी है, शो के लिए है। बट डॉक्टर अर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। करें लेकिन डॉक्टर अर्कुहार्ट ने इसमें विश्वास नहीं किया। फिर है 17 अबाउट हार्मोन। कर हार्मोन के बारे में। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड एन अदर स्टूडेंट बिल्ड द डिवाइस। क्योंकि उत्तर जानने के लिए ब्राइट और एक दूसरे विद्यार्थी ने एक डिवाइस बनाई। इट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन। करें इसने उसने दिखाया कि ये निशान जो है एक हार्मोन बना रहे थे। इट वाज नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। क्योंकि यह तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था।
दिस प्रोजेक्ट ओन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। कनेक्ट ये ब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने उसे देहात मेले में प्रथम स्थान जीताया। ब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने देहात मेले में प्रथम स्थान जीता। ही आल्सो विन एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। करें इसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी उसे प्रविष्टि दिला दी। देयर ही ओन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। करें वहां पर उसे जूलॉजी में तीसरा स्थान मिला। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क इन वाल्टर रेड एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। करें कि उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का अवसर भी मिल गया। कंटिन्यूज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स। करें उच्च प्रयोग जारी। एज अ हाई स्कूल जूनियर ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। करें कि हाई स्कूल जूनियर के रूप में उसने मोनार्क प्यूपा के ऊपर उच्च परीक्षण जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। करें कि उसी वर्ष या उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान दिलाया। 19 इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स। इन हिज सीनियर ईयर ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनास विंग इन अ कल्चर। अपने सीनियर वर्ष में उसने मोनार्क के पर से एक कल्चर में कोशिकाएं विकसित की। ही शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स। करें उसने दिखाया कि कोशिकाएं क्या होंगी, डिवाइड होंगी, बटेंगी और उनसे आम एक आम तितली के परों में तभी विकसित हो पाएंगी। दिस वुड बी ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। क्रिया तभी होगा यदि उन्हें सुनहरे स्थानों के हार्मोन से भोजन मिले। दैट प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस फ्रॉम जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। क्रिक इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जूलॉजी के लिए प्रथम स्थान दिलाया। ही आल्सो वर्क एट द आर्मी लैब एंड एट द यूएस डिपार्ट। करें उसने आर्मी लैब और अमेरिकी विभाग के कृषि प्रयोगशाला में भी काम किया। लास्ट है 20 आइडेंटिफाइज द हार्मोन। करें हार्मोन की पहचान। The following summer a bright went back to the Department of Agriculture's lab। क्योंकि आने वाली गर्मी की ऋतु में a bright कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चलाया। There he worked on the hormone theory। करें यहाँ पर उसने हार्मोन की थियरी पर सिद्धांत पर कार्य किया। फाइनली ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। करें अंत में वह हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने के लिए के योग्य हो गया। अब इसको आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे, इसको रीड करेंगे, फिर हम आपको